सब्सक्राइब कीजिए एसआर के वीडियो मिक्सिंग पॉइंट को और साथ में दबाइए बेल की आइकन को, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का पार्ट टू है ये। आप लोग तो प्रोफेशनल हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट प्रोफेशनल आप लोग तो जानते ही हैं। पार्ट वन मैंने आप लोगों को दे दिया और कहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया था। तो जो लोग अभी तक हमारे इस पार्ट वन नहीं देखे, पार्ट वन वीडियो में मैंने इसे लिंक दे दिया है, पार्ट वन उसे जाकर के आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको पार्ट टू देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो सब चलिए मैं आप लोगों को अब पार्ट टू में जो आपको बता देता हूँ कि आपको पार्ट टू में क्या करना है, ठीक है। और आपको ये प्रोफेशनली तरीके से आपको ये आपका वीडियो एडिटिंग होगा दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का घंटी बेल का आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, और यहाँ पर मैं नए नए प्रोजेक्ट भी लाता रहता हूँ, इसीलिए अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को बेल के आइकन को नहीं दबाए हैं तो जल्दी से दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और आपको नया प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा और नया ट्यूटोरियल भी। किसी भी प्रकार का कोई ट्यूटोरियल होगा, फोटोशॉप हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी तरह का कोई होगा प्रोफेशनल तरीके से ट्यूटोरियल, तो आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के इस प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट है, तो आपको देखिए आपको आप गाना सुनना है कि यहाँ पर गाना क्या कह रहा है। आपको गाना के हिसाब से चलना है, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से, और आपको बनाने वाले लोग पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशनल तरीके से आप इसे एडिटिंग करना चाहते हैं और किस मकाम तक आप इसे प्रोजेक्ट को पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ऑडियो को सुन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ढोल और शहनाई का यहाँ पर साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ढोल और शहनाई को देखिए आपको लाना है यहाँ पे। चलिए मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कट आवाज़ यहाँ पे देखिए आपको, देखिए यहाँ पे कट, एक आवाज़ यहाँ पे कट और एक आवाज़ यहाँ पे कट, आपको तीन पार्ट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक आवाज़ चेंज हो रहा है। तो आवाज़ चेंज करने यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसे देख लेता हूँ कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैच होगा क्योंकि ऐसा ना भी बजा रहा है, ढोल भी बजा रहा है, यहाँ पे ये केला का पत्ता भी आ रहा है, तो ये बहुत ही मैचिंग है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से टाइमलाइन नंबर टू पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे, अब देखिए यहाँ तक ही हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको कंट्रोल एम का बटन, सिर्फ एम का बटन प्रेस कर देनी, आपको देखिए वीडियो कट जाएगा। तो एम का बटन प्रेस कर, हाँ रहा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसका शॉर्टकट की, आप लोगों का अगर जानना है तो मैं बता दूंगा इसका शॉर्टकट की। बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट की हैं जो शॉर्टकट की आप लोगों को यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी एडिटिंग हो जाएगा। जैसे मैं देखिए, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको वीडियो दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से चलिए मैं कुछ मेन वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको वीडियो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे 2D GPU यहाँ से एडवांस सेक्शन में जाना है, और यहाँ से देखिए फॉर्मेट X2 का यहाँ पे दिखा देगा आपको इफेक्ट। आपको यहाँ पे इसे सिंपली ओपन करना और इसे यहाँ लगा देना, तब देखिए आपको नीचे वाला वीडियो ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। तो नीचे वाला वीडियो आपको ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे आपको सीक्वेंस में जाना होगा। यहाँ पे आप सीक्वेंस मेकर इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाना होगा। इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आपको इसे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक जैसे ही कीजिएगा आप लोगों को देखिए इस तरीके का एक विंडोज खुल जाएगा। तो आपको विंडोज में क्या करना है दोस्तों, तो आपको इसे साइड में रख लेना, और उसके बाद आपको अगर वीडियो देखिए, वीडियो यहाँ पे हमको 1 है, तो 1 पे आपको वहाँ पे जाना है वीडियो 1 पे, और यहाँ पे गैंग पे चेक लगाना है, और यहाँ से इस पर एक क्लिक लगाना है, और यहाँ से इसे मार्क लगा देना। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए एक मार्क यहाँ से लगा दीजिए, आप कौन सा मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। फिर यहाँ से देखिए आपको इसे सेटल कर लीजिए इस हिसाब से कि जिस हिसाब से ये लगे कि हाँ ये फ्रेम में सेव है। तो यहाँ से ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करके आप लोग इसे सेव करके देख लीजिए, और उसके बाद इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इसको और छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसको और छोटा मैं कर लेता हूँ, और इसे छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, और इसको
तो अब यहाँ से आप इसे जूम आउट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जूम आउट देखिए यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इफेक्ट बन गया, तो यहाँ पे इफेक्ट बना लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाना और एक मार्क और लगा देना, ये मार्क। अब देखिए अब जो दिखाएगा आप लोगों को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर वन पे जाना है, यहाँ से बॉर्डर, यहाँ से इसके इस पर ये दोनों को अनचेक कर देनी है और यहाँ से बॉर्डर जो जिस भी कलर में आप रखना चाहते हैं वो कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। और इस को बॉर्डर को आप लोग देख लीजिए कितना हिसाब से रखना चाहते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपका हिसाब से है, देखिए यहाँ पर तब मैं जानते हैं कि आप लोगों को मैं इस ऑडियो को ज़्यादा तक नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तब देखिए अब यहाँ पे आगे मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे शहनाई बज रहा है, ठीक है। तो सिर्फ शहनाई का हम लोग सीन देंगे, तो आपको डाटा में रख लेना है शहनाई। और यहाँ पे आप लोगों सिर्फ आप डाटा रखिए दोस्तों, आप लोगों को डाटा का सब लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि डाटा ही रखिएगा तो आप लोगों को अच्छा प्रोफेशनल तरीके से प्रोजेक्ट बन पाएगा। तो अगर डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको डाटा सबसे पहले आपको जमा कर लेनी है, जहाँ से भी हो हर जगह से आपको इसे डाटा को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए तो आप उसके बाद ही प्रोजेक्ट बनाइए, जिससे ये प्रोफेशनल तरीके से लगे कि नहीं प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है तो बढ़िया तैयार हो रहा है, क्योंकि डाटा सबसे मेन चीज़ है। तब देखिए यहाँ पर ये तो ब्लैक दिखाई दे रहा है, तब यहाँ पे क्या करना है आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्रोमा की डाल देनी है। क्रोमा की डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देगा, तो आपको इस पेन टूल को सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको ब्लैक वाले को ओके कर देना है। तो देखिए पहले से तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से रेंज को मिलाने लगा, यहाँ से चलिए मैं रेंज को बना लेता हूँ बढ़िया से। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ घटबड़ नहीं रहा, तो आपको डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे रेंज में जाएंगे, ये देखिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब रेंज सही हो गया, अब इसे यहाँ से ओके कर देंगे। दोनों साइड लगाना चाहते हो तो फिर इसे कंट्रोल ऐसे कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल और राइट बटन को दबा करके आप इसे ओवर राइट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कंट्रोल से इसे मदद करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से F7 का बटन प्रेस करना है और इसके एक्सपोजिशन को छेड़ना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना है देखिए एक्सपोजिशन में। और एक्सपोजिशन में माइनस लेने के बाद आपको यहाँ पे 3D इनेबल कर देना है, और 3D इनेबल करने के बाद आपको इसे घुमा देना है इतना कि आपको इस तरीके से दिखाई दे, ये देखिए आपको इसके पॉजिटिव हो गया, उल्टा हो गया। तो अब देखिए देखिए अब देखिए यहाँ पे हो गया यहाँ तक, तो अब हम लोग को यहाँ तक ही सिर्फ चाहिए। तो यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करेंगे और M का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो M का बटन प्रेस करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से आउटपुट लगा लेंगे, तक वो का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट लग गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल क्या है। हल्का यहाँ पे आवाज़ छोड़ रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बिन में जाना है। बिन में जाने के बाद यहाँ पे न्यू क्लिप, यहाँ पे कलर मेट और यहाँ पे ब्लैक कलर मेट ले लेना है ब्लैक, और यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है इस पर। और अब जो सभी हाइएस्ट टाइमलाइन रखना चाहते हैं 3, 4, 5, तो यहाँ पर जा करके यहाँ पर कंट्रोल M का बटन प्रेस कर दीजिए, आधा पे जा करके कट, और यहाँ से आपको जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस चार लाइन वाले टावर को मिक्स को ओपन कर लेना है और यहाँ से इसे ओके कर, यहाँ से एक बीच में लगा देना और एक नीचे यहाँ पे कर देना और एक नीचे यहाँ पे कर देना। तो आपका देखिए यहाँ पे जाकर कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर नहीं होगा तो आप यहाँ पे बाहर नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे डिजॉल्व लगाइएगा तो आपको कुछ बाहर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब अपने से ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डिजॉल्व की तरह इफेक्ट काम करने लगा। तब देखिए यहाँ पे क्या है, बल्ब फिर यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से वहीं जो शुरू में आप लगाए थे वहीं फिर लगा सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं उसे निकाल लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे काट करके आगे कर लेता हूँ, उसके बाद एंड का बटन प्रेस करते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर यहाँ से बटन प्रेस कर देता हूँ तो कट जाएगा। उसके बाद अभी कुछ और अलग करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि तब हम लोग क्या कर रहे थे ट्रांसफार्मर X2 लगा दिए थे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाए। तो यहाँ पे और मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, यहाँ से आप कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वीडियो फिल्टर में जाते हैं, वीडियो फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मास्किंग है, तो यहाँ पे मास्किंग पर जाना है। मास्किंग क्लिक करने के बाद यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसे इनेबल कर दीजिए और यहाँ से इसे इनेबल करने के बाद आप इसे इसमें आप इसे बॉर्डर डाल दीजिए, बॉर्डर ठीक है। तो यहाँ पे कलर डाल दीजिए यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ येलो ले लेता हूँ और यहाँ से इसे 3 कर देता हूँ और सॉफ्टनेस को कर देता हूँ यहाँ पे 2 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपेसिटी को आपको यहाँ पे 0 करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ओपेसिटी 0 हो गया, तभी इस तरीके से दिखाई देगा। तो वीडियो तो हमारा नीचे वाला कट रहा है तो आपको वीडियो नीचे वाला काटना नहीं है। तो नीचे वाले वीडियो को नहीं काटने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसे ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर मैट लेकर के आना है, कलर मैट को रख देना है। इस कलर मैट को रखने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ से फिर से वहीं टूल ला करके लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट में रख लिया हूँ ट्रांसफार्मर X2 टूल, आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर A और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। नहीं दोस्तों इसे अब मैं गलत हो गया, ये इसे डिलीट कीजिए। इसे डिलीट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर टूल इसमें लगाइए। इसमें लगाने के बाद देखिए आपको फ्रेम में इसमें सेव करना है। तो आप इसे स्टार्टिंग में जाना है और इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर X2 में जाना है। उसके बाद यहाँ पे गैंग पर चीक लगा देना है और यहाँ से इस पर, नहीं तो आप इस पर भी नहीं लगा सकते, सिर्फ यहाँ पे सिंपली इसे छोटा कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको जिसमें इस फ्रेम आप लोग जो बनाए हैं, हम बनाए हैं फ्रेम, उसमें सेव हो जाए तो इस फ्रेम के हिसाब से आप इसे बड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर चलिए इस फ्रेम के हिसाब से हो गया सेव। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई जो देगा जो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तो फ्रेम का ऊपर दिखाई दे रहा है वीडियो का। यहाँ पर नीचे लाने के लिए आपको क्या करना है, कलर मैट लाना है। कलर मैट लाने के बाद आपको देखिए यहाँ से सिंपली इस कलर मैट पर आपको क्लिक करना है, इसमें जो आप लगाए हैं कलर मैट, और इसके बाद आपको यहाँ से इसे ड्रैग करके इसे कलर मैट पर छोड़ देना है ट्रांसफार्मर X2 को। और इसके बाद यहाँ पर ये जो इस हम वीडियो पर लगाए थे वहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। तो ये अब देखिए हमारा अकॉर्डिंग अब ऑटोमेटिक नीचे वाला जो फुटेज रहेगा वो ऑटोमेटिक इस फ्रेम में, हम जो फ्रेम आप हम लोग इस फ्रेम को बनाए थे उस फ्रेम में अब सेव हो जाएगा। देखिए तो इस फ्रेम में अब सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से इसे जा करके यहाँ पर आगे और फिर यहाँ से आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड लगा करके यहाँ से सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी दिक्कत आ जाए तो इसमें दिक्कत ना आए, जहाँ तक हम लोग वर्क करें वहाँ तक वर्क रहे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके करने के बाद आपको अब क्या करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि और भी मैं ऐसे ऐसे इफेक्ट बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा।